स्पीड बोट, इसी में अभी हम भी बैठेंगे। तो गाइस अभी बैठ रहा हूँ उठ पे, तो वो गए उठ पे बैठेंगे। फाइनली हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं अभी हूँ उदयपुर में, फतेह सागर लेक के पास में। आप सबको व्यू दिखाता हूँ फतेह सागर लेक का कैसा है। बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं लेक में। उधर स्पीड बोटिंग भी हो रही है और इधर बोट वगैरह भी चलाते हैं, नाव वगैरह। राजस्थान की और उदयपुर की ये वन ऑफ द फेमस लेक है अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड नॉलेज। उसी ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता इस जगह के बारे में उतना। और वो देख सकते हैं वहाँ पर एक लेबोरेटरी भी है, और इसके ठीक ऊपर उस तरफ सज्जनगढ़ फोर्ट भी दिखेगा आपको। तो गाइस अभी जा रहे हैं, यहाँ खड़े होकर व्यू देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। यार लहरें पूरा एकदम बहुत तेज प्रेशर मार रही है, धप धप करके। वो देखो ऊपर एक किला भी है, कौन सा किला है वो मेरे को पता नहीं। अभी आपको मैं बोट से दिखाता हूँ। तो गाइस यही है फतेह सागर लेक। लेक के साइड में पार्क बना रखा है चारों तरफ बैठने के लिए, यहाँ सब कपल वगैरह आते हैं बैठने बैठने के लिए और बोटिंग वगैरह करते हैं लोग। और रास्ता चारों तरफ का बहुत अच्छा है, राइड वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब स्कूटी बाइक आराम से फ्रीली चलाओ बिना टेंशन के। बस एक हेलमेट ले लेना। पानी का वेव दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मतलब आ रहा है साइड से। ये है पूरा फतेह सागर लेक, आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। और इसके बाद हम एक्वेरियम में जाएंगे। ये जो साइड में रास्ते दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये ऐसे गोल करके राउंड होके जाते हैं पहाड़ों के सामने से ऐसे ऐसे करके। तो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, आपको मैंने दिखा दिया लेक कैसा है। अभी यहाँ से चलेंगे एक्वेरियम की तरफ। एक्वेरियम अंडरग्राउंड है और गाइस धूप के लिए निकले थे, बट धूप बहुत ज़्यादा है अभी, पूरा आँखों में लग रहा है, आँखें नहीं खुल रही है। तो वो रहा एक्वेरियम आगे की तरफ। अभी चलो सीधा एक्वेरियम में चलते हैं। तो भाई जा रहे हैं अभी एक्वेरियम में, टिकट काटेंगे। टिकट वगैरह काटने चलते हैं, क्या रहता है टिकट का सीन, कितना करके टिकट 150 करके है इंडियन आइडल। दो चाहिए हमको मेरे और हनी की। अभी टिकट काट लेते हैं और अंदर एक्वेरियम में चलते हैं। भैया दो टिकट। तो गाइस मिल गई टिकट। अभी हम फतेह सागर के एक्वेरियम में जा रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड है, और यहाँ तरह तरह की अलग अलग टाइप की फिशेस है जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस अंदर आ गए, ऊपर देखो टूना फिश टंगा रखा ऊपर। ये टूना फिश ही है ऊपर, ये तो स्टार फिश है, उसके साइड में सब टूना फिश है। अभी चलो अंदर चलते हैं सीधा गाइस। तो गाइस आ गए हम फिश एक्वेरियम के अंदर। अंदर आते सबसे पहले मेरे को यहाँ पे रूई मछली दिखा, जिसको बंगाली में रूई माछ बोलते हैं, पता नहीं भाई इसको क्यों रखा है। बाकी यही है अपना फिश एक्वेरियम। अलग अलग टाइप की फिशेस रखी हुई है यहाँ पे, कुछ कुछ यूनिक है थोड़े। ये मछली को देखो कितना पतला पतंग जैसा लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लीट माछ भी ऐसा ही लगता है देखने में।
लाल पूछ वाला कैटफिश है ये। आगे जा रहे हैं, देखते क्या यहाँ पे। यहाँ पे की रिंग वगैरह की शॉप है, की अंगूठी वगैरह वगैरह जेम्स वगैरह जो अंगूठी लेना चाहते हैं समुद्र वगैरह में मिलते हैं उनके। यहाँ पे फिश स्पा होता है, देख सकते हैं। फिश स्पा दिखाया मैंने आपको, इसका फ़ायदा ये रहता है कि फिश आपकी डेड स्किन को अपने मुंह से खींच के निकाल देती है, बाकी और कुछ फ़ायदा है नहीं, मेरे को इन्होंने इतना ही बताया। तो चलो गाइस, एग्रो में तो घूमना हो गया, तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। अब मैंने माइक बाहर लगा लिया क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ वहाँ का। आपको फिश स्पा में समझ में भी नहीं आया होगा अच्छे से कुछ, मेरी आवाज़ तो आ ही नहीं रही होगी। तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं अभी। तो गाइस एग्जिट कर रहे हैं अभी हम, यह है एग्जिट का रास्ता गाइस। एंट्री रास्ता ऐसा देना चाहिए था, एग्जिट को इतना बढ़िया बना दिया है। देखो गाइस तो अभी चलते हैं गाइस आगे की तरफ, देखते हैं और कुछ है कि नहीं यहाँ पे देखने लायक इसके आसपास। तो गाइस एक्वेरियम दिखा दिया आप लोगों को, अभी अपने बाइक जहाँ मैंने पार्क किया उधर जाता हूँ और देखते हैं इधर क्या है। अभी दिन में तो कुछ नहीं है, रात रहता तो हनी बता रहा था बहुत कुछ था यहाँ पे देखने लायक। दिन में ये बता रहा वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि धूप में लोग निकलते नहीं है, अभी तो खाली खाली है वैसे भी। ये देखो मेरी बाइक पार्क कर रखी है यहाँ पे, ये रही। तो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से बाइक लेके, निकलते हैं और आपको बाइक से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, लेक के साइड राइट का कैसे क्या लग रहा है। बहुत ट्रैफिक है गाइस। तो गाइस अभी हम बाइक वाइक पार करके वहाँ पे आ गए जहाँ बोट पार्किंग होती है, और यहाँ पे हम लोग को दो ऊँट दिखे। देखो एक बेचारा बैठ रहा है, थक गया है, और एक उसके आगे मेल फीमेल है। और यहाँ पे बोट वगैरह के टिकट वगैरह आप यहाँ काट सकते हैं, बहुत भीड़ है। तो गाइस अभी सोच रहा हूँ ऊँट पे बैठेंगे, पूछता हूँ क्या रेट है भैया से बात करके। दो जन कितने बताए भैया आपने? 200 रुपये। चलो ठीक है, अच्छा तो आगे वाले का बैठना पड़ेगा। तो गाइस अभी बैठ रहा हूँ ऊँट पे, फाइनली ऊँट पे बैठ गए। तो गाइस ऊँट पे बैठ गए, लिटरली पट रही है गाइस, मजा आ रहा है। ओह गाइस मजा आ रहा है कसम से, भैया व्यू भी दिखा रहे हैं। उठ का लो भैया, हाँ ऊँट पूरा घुमा रहा है अच्छे से। तो गाइस अभी हम ऊँट पे बैठे हुए हैं दोनों, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस देखो ऊँट पे बैठ के घूम रहे हैं अभी हम। अभी उतरते हुए उतर रहा हूँ अभी ऊँट से, मज़ा आ गया गाइस। यहाँ जब भी आओ इन भैया के पास आना, शक्ल देख लो इनका, बहुत जेन्युइन प्राइस रहता है। थैंक यू बहुत,
अच्छे इंसान है। तो चलो गाइस अभी घूम लिया यहाँ से, फिर चलते हैं। तो गाइस हनी को बहुत मनाने के बाद हनी राजी हुआ कि भाई चल बैठते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं स्पीड बोट में। तो चलो गाइस स्पीड बोट को एंजॉय करेंगे अभी। तो गाइस जा रहे हैं अभी हम काउंटर में स्पीड बोट के। किधर है काउंटर पता नहीं, जाते हैं देखते हैं। उदयपुर में शाम को मज़ा आ रहा है यार, शाम को बहुत अच्छा व्यू है। लग रहा है कि भाई मतलब घूम के लग रहा है कि भाई मज़ा आ रहा है घूम के वैसा। देख सकते हैं आप वहाँ पे मिलती है स्पीड बोट की टिकट, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस इधर से हमने टिकट काटा, तो भीड़ देख सकते हैं आप स्पीड बोट के लिए, इतना भीड़ है गाइस देख रहे हो। तो ये टिकट काउंटर, यहाँ भी भीड़, पैसे पैसे भाई इनके पास। तो गाइस आ गया चांस हमारा फाइनली अंदर जाने का। अभी यहाँ पे फिर लाइन देना पड़ेगा स्पीड बोट में बैठने के लिए। लाइफ जैकेट वगैरह पहनाएंगे यहाँ पे। तो गाइस लाइफ जैकेट पहन रहा हूँ अभी मैं। वैसे स्विम तो आता है मेरे को, ये सब का डर है नहीं वैसे भी, फिर भी पहन लेता हूँ सेफ्टी के लिए। ये नॉर्मल बोट है, इसमें फैमिली वगैरह जाते हैं। व्यू देखो गाइस बहुत बढ़िया है। तो गाइस ये रही स्पीड बोट, अभी हम बैठेंगे ये इस साइड वालों के लिए। हम इधर लाइन लगाएंगे बैठने के लिए। अभी ये जा रही है घुमा के लाएगी, फिर इसमें बैठेंगे हम। ये देखो गाइस स्पीड बोट, इसी में अभी हम भी बैठेंगे। गाइस आगे स्पीड बोट पे बैठे हैं, पकड़ के रखूँगा बैठ जाए, टेंशन मत ले। तभी बोट स्टार्ट होने का वेट करते। तो गाइस आ गए हम स्पीड बोट में। सबसे अलग ही फील है यहाँ के। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ तब तक। तो गाइस अलग ही फील आ रहा है कसम से, मजा आ रहा है यार बहुत ज्यादा। कभी भी आओ उदयपुर तो जरूर आना इधर, जेन्युइन प्राइस है, महंगा भी नहीं है ज्यादा, अलग ही मजा है यार इसके। तो गाइस आ गया हमारा पॉइंट जहाँ यहाँ अभी हमको उतरना है। ये रहा हनी, यहाँ उतरना है गाइस अभी हमको। लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे अपनी बारी का। तो गाइज हमारी बोट राइडिंग कंप्लीट हो गई, मेरे पीछे देख सकते हैं यहीं से हमने राइडिंग किया। और कमेंट करके बताना कैसी लगी आप सबको वीडियो। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइज।